आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू और सिंग मछली की रेसिपी। और ये तैयार करना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब है, तो इसे तैयार करती हूँ। चले तो इसे तैयार करने के लिए पहले मैंने यहाँ पर आलू और मछली को बहुत ही अच्छी तरह से काट कर धो कर ले लिया। फिर से मैंने पानी से इसे धोकर प्लेट में निकाल लेंगे। पहले से ही प्लेट में प्याज को पतले स्लाइस कर काट कर रखी हूँ और उसके साथ मैं यहाँ पर मछली और आलू को निकाल लेंगे। तो आलू मैंने दो आलू को ले लिया, आलू को काट कर ले लिया, लंबा कर देखिए। मछली मैंने 250 ग्राम ले लिया, तो 250 ग्राम आलू के साथ 250 ग्राम मछली के साथ 250 ग्राम आलू भी ले लिया। दो आलू के वजन है 250 ग्राम, तो मैं इक्वल क्वांटिटी में ले लिया क्योंकि सब्ज़ी अलग से मुझे पकाना नहीं है, मछली के साथ ही सब्ज़ी पकेंगे। तो स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और यहाँ पर धनिया और जीरा के पाउडर मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया और साथ में लाल मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। आप चाहे तो पिसे हुए मिर्च भी डाल सकते हो, मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। मैंने मिर्च पाउडर भी ये 1.5 चम्मच डाल दिया ताकि ये थोड़ा तीखा बने और स्वादिष्ट भी बने। हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल दिया, 1/2 चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। और ये सब्ज़ी और मछली को जो एक साथ पका रही हूँ इसलिए नमक और मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा मिर्ची डाल दिया ताकि ये थोड़ा तीखा बने, सब्ज़ी फीका ना बने। तेल गर्म हो गई, उसमें प्याज डाल दिया। प्याज को बहुत ही अच्छी तरह से अलट पलट कर भून लेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट के करीब मैंने प्याज को भून लिया, प्याज की बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। तो अब इसमें ये जो मैंने मछली और आलू को मैरिनेट कर रखी थी वो डाल दिया और वो डालने के बाद देखिए बहुत ही अच्छी तरह से अलट पलट कर इसे भून रही हूँ। तो ज़्यादा नहीं भुनाएंगे, भुनाई करेंगे मछली टूटेंगे, तो थोड़ी देर ही मैंने भून लिया। उसके बाद पानी भी डाल दिया। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से इसी तरह मिक्स कर ले लेंगे। तो हल्के हाथों से ही मिक्स करना है, ज़्यादा अलट पलट करेंगे तो मछली टूट जाएंगे और कांटे से ये आलू भी बिखरेंगे, खा नहीं पाएंगे। तो थोड़ी देर पकने के बाद इसी तरह हल्के हाथों से अलट पलट कर रही हूँ, तो आलू अच्छी तरह से पके नहीं गला अच्छी तरह से, तो इसलिए सोचा इसमें थोड़ा सा और भी पानी डाल देंगे। तो मैंने 1 ग्लास के करीब पानी डाल दिया। इसके ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, आप जितना ग्रेवी रखेंगे वही सबसे कम ज़्यादा कर पानी डाल सकती हो। तो आलू को अच्छी तरह से गलाना है और मछली भी अच्छी तरह से पकना है। तो अब इसमें धनिया पत्ता डाल रही हूँ। धनिया पत्ता डालने के बाद अच्छी तरह से इसे फिर एक बार मिला देंगे। तो आप चाहे तो वैसे भी ढक कर इसे पका सकते हो, तो मैं नहीं मिलाएंगे, इसे ही ढक देंगे। तो देखिए, तो मैंने ढककर इसे पका लिया थोड़ी देर पकने के बाद ये लगभग हो ही गई और आलू भी बहुत ही अच्छी तरह से गल गई, मछली भी बहुत ही अच्छी तरह से पके हुए हैं और इसके ग्रेवी के कलर भी देखिए कितना प्यारा आ गया। ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, मछली की ग्रेवी इस तरह से चाहिए और ये बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुए। आप इसी तरह तैयार कर गर्मा गर्म चावल के साथ खा सकती हो और ये बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होती है। सिंपल रेसिपी है, आप एक बार ट्राई कर सकती हो। रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल में पहली बार आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो फिर